हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस का आज पूरे तीनों शिफ्ट्स के जनरल अवेयरनेस में जो जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हम ये वीडियो में देखेंगे। तो आज है 14th of July। तो देखते हैं आज कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी एमटीएस के एग्जाम। द लेजेंड ऑफ द लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? द आंसर इज ट्विंकल खन्ना। तो ट्विंकल खन्ना ने लिखी है द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। फुटबॉल के गोल पोस्ट के लिए ऊंचाई कितनी जरूरी है? 8 फीट, वहां पे पूछा गया था फीट में, तो 8 फीट और 2.44 मीटर फुटबॉल के गोल पोस्ट के। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम लिखी है और इसको गाया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी है? बादामी। सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है जो मार्च में हुआ था? मैक्स वर्स्टापन। बादामी जो कर्नाटका में है, मैक्स वर्स्टापन जो रेडबुल को रिप्रेजेंट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को जोड़ने वाली कौन सी सागर है? अरेबियन सागर। तो अरेबियन सागर सिंधु घाटी सभ्यता को जोड़ती है। यदि प्राप्तियां व्यय से अधिक है तो बजट किस रूप में जानी जाती है? अधिशेष बजट, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट। अगर प्राप्तियां व्यय से अधिक है तो बजट सरप्लस बजट में जानी जाती है। बैसाखू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? आसाम। देखो, आसाम में अंबुमाची मेला भी मनाया जाता है, वहां पे बैकू फेस्टिवल भी होता है, बैकू फेस्टिवल। किस अधिनियम के तहत भारतीय परिषद अधिनियम को पूर्ण किया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत। कैलाश खेर को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया था? पद्मश्री 2017 में। एमी अवार्ड्स बेस्ट कोरियोग्राफी 2020 में किसको मिला था? सुरेश मुकुंद। ये फर्स्ट टाइम कोई भारतीय कोरियोग्राफर था जिसको एमी अवार्ड से नामांकित किया गया था, सुरेश मुकुंद। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल। 6 साल। पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हुआ है, उनको कौन से साल पद्म विभूषण मिला था? 1983, 1986 भी बोलते हैं, दोनों साल भी बोलते हैं। तो पंडित बिरजू महाराज कौन थे? ये कथक करने वाले आर्टिस्ट थे जो लखनऊ में रहते थे। भारत में सबसे कम बेरोजगारी वाले कौन से राज्य है? छत्तीसगढ़। हालांकि ऑप्शन में छत्तीसगढ़ नहीं था, तो ऑप्शन में देखा तो हरियाणा आ जाता है, हरियाणा। वर्ष 2022 में टाइम 100 इंपैक्ट अवार्ड किस अभिनेत्री को मिला था? दीपिका पादुकोण। दूध में कौन सा अम्ल रहता है? लैक्टिक अम्ल। यमुना नदी गंगा से कहां पे मिलती है? प्रयागराज। भारहुद बौद्ध स्तूप कहां पे है? देवर मध्य प्रदेश। राउत नाचा कौन से राज्य का नृत्य है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कौन से, वहां पे कुछ ऑप्शंस दिए थे, तो यहां पे कौन निम्नलिखित में से कौन से गर्म खून वाले जीव है? स्तनधारी चिड़िया। भीम यूपीआई के क्यूआर कोड को स्वीकारने वाला कौन सा देश पहला देश बन गया है? भूटान। तो भूटान भीम यूपीआई के क्यूआर कोड को एक्सेप्ट करने का पहला देश बन गया है। संविधान के भाग 6 में कितने आर्टिकल हैं? अनुच्छेद 152, 237। आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई है? 1951। पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये दो तीन बार ये कुछ रिपीट हुए क्वेश्चन, तो इसका है मान सिंह, जो आम आदमी पार्टी के।
गुजरात के हाजिर अंकलेश्वर गैस पाइपलाइन कौन से राज्य से होकर यूपी तक जाती है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को। अम्बुबाची मेला त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो मैंने अभी बताया, आसाम में बैकू, बैसाखू, अम्बुबाची मेला, ये सब त्योहार मनाया जाता है। राज्य की नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? संविधान के चौथे भाग में है। द ग्रेट इंडियन पुस्तक किसने लिखी है? शशि थरूर। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की है? राजा राम मोहन राय, 1828। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में किसको रजत पदक मिला है? रवि दहिया, वो भी किस चीज के लिए? रेसलिंग के लिए, रेसलिंग में। ब्लॉक पहाड़े में ऊपर उठे हुए ब्लॉक किसके रूप में जाने जाती है? हॉस्टन्स, लोवर्ड ब्लॉक, लाइक ग्रेवन, कॉल्ड ग्रेवन। प्लेबैक सिंगर एक्टर इनमें से कौन थे? किशोर कुमार। तो किशोर कुमार एक्टर भी थे और प्लेबैक सिंगर भी थे। अखिल भारतीय मुस्लिम समाज की स्थापना कब हुई है? 30 दिसंबर 1906 में। कला मंडलम कल्याणकुट्टी अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनी अट्टम, जो कि केरला का है। के अम्मा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? मोहिनी अट्टम। बगुरुम्बा लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है? आसाम। कौन सी परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है? ओजोन लेयर। स्नेक बोट रेस को किस नाम से भी जाना जाता है? वल्लमकली, वल्लमकली। नागरा और द्राविड आर्किटेक्चर कहाँ की है? नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन। दंती दुर्ग कौन से साम्राज्य के संस्थापक थे? राष्ट्रकूट, और ये कर्नाटक के थे, राष्ट्रकूट। हर्षवर्धन कौन से राजवंश से संबंधित थे? वर्धन राजवंश, पुष्य भूति राज। पर्पल रिवॉल्यूशन जो जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है वो किस से संबंधित है? लेवेंडर फार्मिंग। फीता क्रोमेटिव वर्म किस फाइलम में आता है? प्लेटिहेल्मिंथस। जनगणना 2011 के 11 के अनुसार प्रति वर्ग में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। मौसम में परिवर्तन किसके कारण होता है? सूर्य के कारण। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC के अध्यक्ष कौन होते हैं? निर्मला सीतारमण, जो हमारी वित्त मंत्री भी है, केंद्रीय वित्त मंत्री। कोको कोला के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शाहरुख खान। 2008 के ओलंपिक में किसने स्वर्ण पदक जीता था? अभिनव बिंद्रा। टीपू सुल्तान का शासन कब था? 1761 से शुरू। भारतीय समुद्रों से सीमा से लगने वाले देश कौन से हैं? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान। नवंबर 2021 में आपका राशन आपके द्वार किसने शुरू किया था? मध्य प्रदेश ने। पुष्कर झील जो राजस्थान में है वो कौन से जिले में है? तो पुष्कर जिले में ही है, पुष्कर जिले में है, जहां पे ब्रह्मा का टेम्पल भी है। संग्रह नृत्य कौन से राज्य का है? त्रिपुरा। हाइड्रोजन का सिंबल क्या है? कैपिटल H। भारत में पहली जनसंख्या नीति कब कब लगाई गई थी? 1976 में। म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हकाकाबोराजी, 5881 मीटर की है। खिलजी वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? जलालुद्दीन खिलजी को। नगर पंचायत का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243A to 243O से। करेज एंड कन्विक्शन, ये ऑटोबायोग्राफी B.K. सिंह पे किसने लिखी है? विजय कुमार सिंह एंड शिव कुमार, शिव कुणाल वर्मा। एक जाति एक वंश किस व्यक्ति का नारा है? श्री नारायण गुरु। तो दोस्तों, आज के तीनों शिफ्ट्स में मिला के इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल,
प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।